करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई बच्चे की नौकरी लग गई है, अब वो शादी कर ले, बच्चे हो जाए और सेटल हो जाए बेसिकली। लेकिन आप चूंकि नए जमाने के प्रोडक्ट है तो आप लगता है नहीं नहीं भैया पहले करियर, और अपन तो सख्त है भैया, अपन सख्त लड़के हैं, अपन आसानी से पिघलने वाले नहीं है। तो पेरेंट्स ने बेसिकली आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई शादी करो शादी करो शादी करो, है ना, मरने से पहले भाई हम एक बार अपना पोता देखना चाहते हैं, उस तरह की बातें कुछ होती हैं। और आप कह रहे हो कि नहीं भाई नहीं मुझे नहीं करनी है, प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, आप भी परेशान हो रहे हो, है ना। और फिर पेरेंट्स कहते हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला, अरे भैया लड़का अपना ही है, हमने ही पैदा किया, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो आपने कहा कि एक काम करो, सेकंड इस पॉइंट पे आते हैं, एक बार लड़की को देख लो और ऐसा करो आप तो एक डेट पे ले जाओ उसको, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं, आप अपनी नौकरी करना, हम वेट कर लेंगे। अब आप जब सेकंड पॉइंट पे पहुंचे तो आपके मन में फूटा लड्डू, डेटिंग जिंदगी में पहली बार। तो आप जब डेटिंग पे जा रहे हैं तो यहां पर जब डेटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, अब आप यहां पिघल जाते हो, आपको जो आपका पार्टनर होने वाला पार्टनर है वो अच्छा लगने लगता है और आपका जो है एक अफेयर चल रहा है, आप दोनों क्लोज आ रहे हैं, समझ में आ रहा है बेसिकली, है ना। थर्ड पॉइंट पे आते आते आप बहुत क्लोज आ गए, आपको समझ में आ गया है एंड आप कह देते हैं कि भैया आई एम रेडी फॉर मैरिज। तो यहाँ पे सारा का सारा काम किसने किया है, IMF ने। जब आप दोनों क्लोज आएंगे तो IMF अपना काम करना शुरू करेगा। अब आप पेरेंट्स के फोर्स में काम नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स ने अपना काम था यहां तक ले जाना, उसके बाद तो काम अपने आप खुद हो जाएगा। और यहां पहुंचने के बाद अब तो कुछ बच नहीं गया, अब तो शादी होनी है, अब मैरिज होगी भैया, अब आप इससे क्लोज तो नहीं आ सकते, है ना। तो दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, गैस को हमने प्रेशराइज किया,